आलोट विधानसभा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा शासकीय महाविद्यालय पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों ने फीस वृद्धि को लेकर अपना आक्रोश जताया, तो वहीं एसडीएम सुनील जायसवाल को आवेदन देकर अपनी मांग को पूरा करने की बात कही। देखिए ये रिपोर्ट। आलोट में बीकॉम के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष व फाइनल वर्ष में यूजीसी द्वारा 2200 रुपए की अचानक से फीस वृद्धि कर दी, जिसके विरोध में विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य महिपाल सिंह ऋषि व एसडीएम सुनील जायसवाल को आवेदन भी दिया, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने बताया कि यदि उक्त मांग 3 दिन में पूरी नहीं होती है तो वह चक्का जाम करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। में बच्चों ने कुछ धरना दिया था बीकॉम की फीस बढ़ोतरी, झंडे मत लाना, झंडे मत। इसके ऊपर हमने जो अपने एसडीएम साहब उनसे बात की और बच्चों की बात सुनी और जो डिसीजन उसमें हुआ है कि भाई जो फीस वृद्धि हुई है वो शासन की, क्योंकि बीकॉम जो है जन भागीदारी से चलता है, हमारे यहाँ प्राइवेट एक डिपार्टमेंट है उससे चलता है, लेकिन बच्चों की मांग थी चूँकि फीस ज़्यादा है जिसके कारण कि हम फीस जमा नहीं कर सकते, इसके लिए फिर हमने एसडीएम साहब को बुलाया और बच्चों ने ज्ञापन दिया है, कॉलेज प्रशासन को दिया है और एसडीएम साहब को दिया है, जिसमें ये तय हुआ है कि जो अभी हाल फिलहाल जो फीस बढ़ी है जो कुछ दिनों में, उसको अभी जमा ना किया जाए और उसके आगे फिर डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि जन भागीदारी समिति में ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे फीस लेनी है कि नहीं लेनी। अभी तत्काल में तो हमारे प्रिंसिपल साहब प्रचार महिपाल ऋषि सर ने ये डिसीजन लिया कि अभी हाल फिलहाल फीस बढ़ोतरी नहीं की। कुल मिलाकर देखा जाए तो विद्यार्थियों ने फीस वृद्धि की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद अब देखना होगा कि इस मामले में स्थानीय शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, आलोट।